श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत्य तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस तरह एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेतशाक्तोपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी जो अणु आत्मा है वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त्यन्नमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझ कर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्तिसंगत नहीं है। हरे कृष्ण। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।